अभी मैं चलाने वाला हूँ NS125 मॉडिफाइड, फुली मॉडिफाइड। और गाइस इसमें लगा हुआ है एक्रोफोविक। सो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई एक्रो लग रहा है यार इसमें, बट इतनी लाउड नहीं आ रही साउंड। मतलब देखो 125 में यार पावर तो कम है, बट फील है ना 200 वाली है। लुक वगैरह पकड़ने में, बैठने में, और अभी भाई का कहना है, और ये बाइक है सिद्धार्थ की, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी भाई, जिसकी भी बाइक की मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, एक शॉर्ट आउट तो बनता है बंदे को, लाइक मैक्स फ्रिस्ट। और अभी आप क्वालिटी बताओ, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। वैसे तो ये रेड थी, थोड़ा ऑरेंज टाइप कलर जो आता है, बट इसको ब्लैक कराई हुई है अभी। अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ उसने क्या क्या मॉडिफाई किया हुआ है, बट अभी के लिए मैं आपको इसकी साउंड सुना रहा हूँ। भाई को आगे करते हैं, पहले थोड़ा आप साउंड सुन लो इसकी एक्रोपोविक की, मैं आपको रेट वगैरह सब कुछ बताऊंगा और क्या क्या इसे मॉडिफाइड किया हुआ है। ये देखो अपनी 200 आ गए। ये बस शो के लिए लगाए हुए हैं, ये ऑयल रिजर्वर होते हैं। अगर ये रियल होते भाई और अच्छे ही लगते। देखो मतलब लुक के लिए तो है ही है, इनमें ऑयल डाला हुआ है। कुछ लोग आजकल भाई स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं यार, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, क्या कर रहे हो भाई यार तुम, मतलब बंद करो ये सब, स्ट्रिंग डाल रहे भाई इनमें, बट ये ऑयल है। भागती है यार ये, ऐसा नहीं भागती 125 भी, मतलब 100 तक सही चली जाती है। देखो उसके बाद थोड़ा लगता है, हाँ और 200 में ये 135 तो स्मूथ जाएगी बिल्कुल। उसके ऊपर थोड़ा स्लो हो जाती है चढ़ना, विंड पे भी डिपेंड करता है, विंड किधर चल रही है। वही फटाके भी फोड़ रही है ये देखो, पट पट पट। अभी शायद इसमें टीवी किलर लगा हुआ है ऐसा लग रहा है, इसलिए साउंड थोड़ी कम आ रही है। फटाके भी सुनाएंगे अगर हुआ है लिंक वगैरह तो। बीच वाला जो अंडरबेली होती है उसको हटा के एग्जॉस्ट लगाया हुआ है पाइप में डायरेक्ट, सामने तक ड्रैग करेंगे। 1 2 3 भाई 200 को तो नहीं आ रहा सकती। यहाँ वीडियो शूट करते हैं भाई, बढ़िया सी आप लोगों के लिए। सही है यार ये भाई भी हल्की सी, ये देखो भाई इसकी ओवरऑल लुक। अभी टीवी कलर हटवा लिया जस्ट इसका, पहले टीवी कलर लगा रहा था जब मैं चला रहा था इसका। सो गाइस ये है पल्सर NS125, रैप कर रखी है इस पर कार्बन फाइबर 5D वाली, ये आप देख सकते हो टैंक पर। और इसमें कॉल भी लगा हुआ है सेम सेगा पार्ट्स का जो हमारी भी लग रहा है उधर। एंड गाइस इसके अलावा इसमें लगा हुआ है एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट, और अभी जस्ट हमने इसका डीवी कलर हटाया। अभी मैं साउंड सुनाऊंगा बिना डीवी कलर के, काफ़ी सही साउंड आ रही है। और इसमें आप देख सकते हो आगे पीछे दोनों तरफ व्हील कवर डले हुए हैं, और आगे MX-Octane का व्हील कवर है, और पीछे यहीं कस्टम बनवाया था अलवर में ही।
और आप देख सकते हो हैंडल पर जो ऑयल रिजर्वर लगाए हुए हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में आते हैं ब्रेम्बो के, उससे बाइक थोड़ी बल्की लगती है। एंड गाइस, इसके अलावा पीछे की टेल लाइट स्मोक ब्लैक कर रखी है, और पीछे इसमें स्टॉक वैसे काफ़ी छोटा टायर आता है, बट अभी 130 डाल रखा है। लेकिन क्या है कि रिम काफ़ी छोटी है, तो उसकी वजह से इतना ब्रॉड नहीं लगता टायर, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसकी रिम चेंज करने वाले हैं आगे जाके। और आगे की रिम भी छोटी है, आप देख सकते हो, बट व्हील कवर से सही लगती है, देखो रिम की लुक। आगे इसमें स्मोक कर रखी है लाइट को, और यहाँ पर कार्बन फाइबर 5D वाली रैप, और यहाँ पर लाइट लगा रखी है इसमें नीचे, तो जब आप ऑन करते हो इग्निशन, देखो इसमें रेड कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस तरह चमकता है ये। रात को काफ़ी अच्छा दिखता है, अभी दिन में इतना नहीं दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा अभी मैंने आपको पीछे इंडिकेटर्स दिखाए, सिनेमेटिक शॉट्स में देख लोगे आप, पीछे इंडिकेटर अलग से लगाए हुए हैं, और यहाँ पर स्कल वाला स्टिकर। एंड गाइस, इसके अलावा अभी मैं आपको छोटे मोटे मोड्स हैं जो चेक करे हुए हैं, इसके अलावा लीवर गार्ड्स लगाए हुए हैं, और इसमें किक तो आती है 125 में, स्टैंड भी लग रहा है इसमें। तो अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। देखो डीबी कलर हटाने को अलाउड तो हुई है, डीबी कलर जैसे लगा लेते हैं कम साउंड आती है, मतलब चला सकते हो आप आराम से, चारन वगैरह तो नहीं कटेगा आपका अगर आप विद डीबी कलर लगा के चलाओगे। विदाउट डीबी कलर देखो तो बताओ कैसी साउंड आ रही है। और वैसे इसका अलग से पाइप भी आता है 1200 रुपये का, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा बीच वाला पाइप, बट इसमें क्या हुआ है कि ब्लैक कलर का पाइप वेल्ड करा के लगा हुआ है नीचे, ये देखो। तो इसकी कॉस्ट मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ लोकल से लिए थे एग्जॉस्ट एगर पॉविक का, पहले बंद कर देते हैं। इसकी कॉस्ट है भाई 2000 रुपये, और लगाने के लगे 700 रुपये, और अगर आप 1200 रुपये को मंगाओगे तो आप घर पे लगा सकते हो एग्जॉस्ट चाहो तो। और अगर आपको लेना है एग्जॉस्ट तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर आराम से मिल जाएगा, एगर पॉविक एग्जॉस्ट लिख देना भाई, ईजिली मिल जाएगा। तो बताओ कैसी आ रही है ओवरऑल लुक, कार्बन फाइबर रैप्स काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा ग्रेश शेड आती है इसमें, कार्बन फाइबर 5D कराते हैं जब हम, और 200 के सामने देख लो भाई 125 साथ में। ऐसी अगर आपको और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भाई अभी इस बाइक का क्या सीन है कि ये है एक्चुअली सेल पर, और ये है 2022 का दिसंबर का मॉडल, मतलब एक साल हो चुकी है, ये दिसंबर का 2023 चल रहा है, एंड आने वाला है। तो सेल करने का रीज़न ये है, बस 200 में अपग्रेड करनी है। तो किसी भी को भाई को चाहिए हो अलवर से तो कॉन्टेक्ट कर लेना, यहाँ पर आईडी मैंने आपको आईडी बताई थी भाई ओनर की, और 80,000 आस्किंग है, आप देख लेना कम तो हो ही जाएंगे पैसे। या बाइक आपने देख ली, जो भी लग रहा है भाई साथ ही मिलेगा, हटाएंगे नहीं, चिंता मत करो। एक साल पुरानी बाइक है, 125 की ली थी ऑन रोड अलवर में, काफ़ी महंगी हुई गई है बाइक्स, हमने तो भाई 132 की ली थी 2019 में, अभी आप इसकी प्राइस देखोगे 180 की हो चुकी है 200। तो देख लेना भाई, अगर किसी को चाहिए हो NS125 की स्टॉक एक सीरीज़ तो मिलेंगी आपको साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अभी फ्लाई बाय देखना है, अच्छा सा अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। We just sitting here trying to win. Pull up to the spot, it's a block of beer. So much smoke, need oxygen. Free up money, that's not spent. All gold bottles, that's oxygen. Standing on the couch, me and my accomplice. Pop a bottle, mind the bitch. Get the bitch, got the bitch. Streets wanna know when you crawling there. Police wanna know how you got the stick. Niggas on the side had to watch the shit. See you on top, so they throw rocks and shit. Never once really with the talking shit. Me, I just went got a pop a bit. Upgrade diamonds on my watch and shit. On the wall in my office.
भाई पीछे डिस्क नहीं है ना, तो ड्रम ब्रेक से पीछे वो बहुत कम लगे मुझे पर्सनली। अगर हम इसमें रिम चेंज कराएंगे तो देखो भाई डिस्क भी डालेगा, पूरा सिस्टम डालेगा ब्रेक का, कैलिपर हैंडल सब कुछ डलता है अगर आप इतना चेंज करते हो तो। देखो अगर आप नई बाइक लेने की सोच रहे हो ना, तो मैं तो ये कहूँगा आप 200 ही लो, क्योंकि भाई भी बोल रहा था अपग्रेड करने की। अब देखो अगर 125 ओनर है पहले से ही, भाई बोल रहा है 200 लेने के लिए, तो देखो कुछ तो वर्थ होगा ना। 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके 200 लो, क्योंकि पावर की बात नहीं भाई, लुक्स की भी बहुत ज़्यादा बात है। बाकी अगर आप नोरो पल्सर ले रहे हो ना, तो मैं कहूँगा NS125 ले लो। अरे भाई ऐसा रहा किससे बात कर रहा है। We just sitting here trying to win. Pull up to the spot, some block of beers. So much.